मोहम्मद भाई अगर अपने को कोई मर्ज आया तो अपन दवाखाने में नहीं बताते। ये मर्ज के लिए कोई साथ नहीं रह रहा, मर गए तो माँ को खबर में नहीं दफना रहे लोग। अल्लाह का शुक्र करो भाई, हम साथ रह नहीं सकते इस चीज में। अरे खबर तो दो साल के बच्चे को हुआ, इसलिए चेक कर ले दो ना क्या कर रहा है। दो बारे में कल लेके आते बोलते तुम आपको वही पूछने आ रही थी। तो मैं पूछा सर्कल साहब से पूछा तो यही बोले कि भाई यहाँ खून ले लेके कल वो कर लेते। बोले अगर लेके जाते तो लेके जाने दो, उसमें कोई बुरी बात नहीं। जाते कल लाते टोटल जो बोले आप सात आठ आपको मिला के आठ जना वालना का नाम है आपके घर वाले बोलो नाम बोलो अल्लाह के लिख रहा हूँ जी अल्लाह के लिख रहा हूँ नहीं वहाँ था तो बोल के मैं मेंशन करता हूँ क्लियरली मेंशन करता हूँ बोलो बोलो नाम बोलो कहाँ पे थे दोनों
आपके ससुराल में? हाँ ससुराल। क्या एज है उनकी? 26। बच्चे वो ये सब वहीं आपके? हाँ वहीं से। कितने बच्चे हैं? एक लड़की। क्या नाम है? मायरा बेटी। कहाँ मारे बच्चे के? डेढ़ साल। सर आ जाओ आप साइड पे आ जाओ। आओ सर साइड पे आओ। चलो एनडीएस वाले भाई आ जाओ पीछे। आज चौरस के ऊपर इंडियन डेयरी फार्म नाम का एक नई दूध की दुकान है। उस दुकान के मालिक को आज से जो है 6-7 दिन पहले ही जो है उनके घर में पॉजिटिव आया था, उनकी वाइफ का भी इंतकाल हुआ था। उनके ही मुताबिक था ये दुकान है, लेकिन उन्होंने भी ऑलरेडी गांधी मेडिकल हॉस्पिटल को उनके पॉजिटिव आने के उनको भी ले गया गया। उनके पास काम करने वाले मुलाजिम तो क्योंकि जैसा पॉजिटिव आ गया मालूम हुआ तो हमारे मुतालिका हमारे मजलिस के तमाम सदरों को मालूम हुआ था, फौरन लोग आके इतला दिए थे, पुलिस को और मेडिकल डिपार्टमेंट को इतला दिए, वो लोग फौरन आकर उनको ले जाकर टेस्ट कराए। तो उसमें टेस्ट में भी जो है बच्चा मुस्बत पाया गया, तो इसलिए फौरन यहाँ पर तो हम मुतालिका मेडिकल चौरस्ते के अतराफ अगरनाथ रहने वाले आवाम से हम गुजारिश करते हैं कि अगर जो कोई भी पिछले 7-8 दिन के अंदर इस दुकान से दही या दूध अगर लेके गए हैं, उन तमाम लोग वॉलंटियरली खुद आकर अपनी जो अपने से खुद मेडिकल करवा लेने में आपको भी सहूलत रहेंगी, आपकी फैमिली को भी सहूलत रहेंगी, आपके मोहल्ले के भी हिफाजत रहेंगी। क्योंकि अगर ये वबा, क्योंकि एक से दूसरे को लगने वाली वबा है, इसकी अभी तक इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ और इसका एक ही इलाज है कि अपन सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी है। तो अपन सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और मुंह को मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए अपन एक ही इसका इलाज एक ही रहने की वजह से आप लोग इसमें ताउन कीजिए मोहल्ले के अंदर। और हर नौजवानों से भी मैं गुजारिश करता हूं कि बिला वजह से आप बाहर फिर रहे हैं, हम देख रहे हैं बाला कई मरतबा हम लोग आप लोगों को अपील करने के बावजूद भी आप लोग नहीं सुन रहे, देख रहे हैं हल्लो हल्लो वबा फैलते जा रही है। को अगर अपन आग लगाते ही पूरे पटाखों की लड़ी जैसा जलना शुरू हो जाती है, वैसे ही वबा का भी मामला है। वैसा है एक आदमी को घर में होने, क्योंकि ये इंडियन डेयरी फार्म के इसके मालिक के मकान में खुद उनको अकेले को होने की वजह से उनकी फैमिली में 11 आदमी को हो गया। और फिक्र करने की जरूरत है कि एक आदमी को होने से उनकी फैमिली के 11 आदमियों को आप लोग भी मेरे भाई आप लोग। केस हुआ था हाल ही में, 11 जनों को पॉजिटिव निकला, तो जिसके घर में पॉजिटिव निकला उसकी एक दुकान यहाँ पे तिकलकुंटा चौरस्ते में दही की दुकान थी। जैसा कि मालूम हुआ कि यहाँ दही की दुकान भी उन्हें चलाते थे, तो यहाँ पर एक दही की दुकान पे जो काम करता है उनको शक की बुनियाद पे कल लेके जाके चेकअप कराया गया। चेकअप कराने की बुनियाद पे उनको भी पॉजिटिव निकला। जैसा हमको पॉजिटिव निकलते हमारे MLA साहब बहादुरपुरा ने चौका चौके मेडिकल डिपार्टमेंट को जिसको बोलना था बोले, तो आगे यहाँ तकरीबन जो बच्चे दुकान पे काम करते हैं और आसपास जो बच्चे दही वहीं लेके, वो तकरीबन 11 या 10 बच्चों को फिर लेके जा रहे हैं यहाँ पे चेकअप के लिए चार मीनार हॉस्पिटल। तो हमारे MLA साहब खासतौर पर तवज्जो दिए हुए हैं इस एरिया में जो भी रहते हैं साफ सफाई का ख्याल कीजिए और उसके बाद यहाँ पे
सैनिटाइजर का भी छिड़काव कराया गया है। मेरे साथ हमारे हन्नान साहब, सांसद कुंटा कारपेटर और मेरे इब्तदाई सदर भी मौजूद थे। हम लोग यहाँ मिल के पूरा सैनिटाइजर का प्रोग्राम कराए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से उम्मीद है जो बच्चों को लेके जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला उनको सेहत दे और सेहतिया भी घर से वापस आए। उनकी फैमिली परेशान है तो हम खास तौर पे एमएलए साहब उनको भरोसा दिलाए के आपके बच्चों के लिए जितना भी सहूलत रहेंगी टर्मिनल हॉस्पिटल में मैं खास तौर पे उनसे कॉन्टेक्ट करके वहाँ के डॉक्टर से उनसे रब करके इंशाल्लाह ताला जो जो सहूलत देना है वो सहूलत दूंगा। बोले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये तिकलकुंटा चौरस्ते आपका जो भी है लोग अपने घरों में रहेंगे क्योंकि ये वायरस जो है आप हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करने की वजह से आ रहा है। जहाँ तक अगर अपन मेंटेन करेंगे इंशाल्लाह ताला ये वायरस खत्म होगा और आप घर में रहिए, घर में रह के सेफ रहिए। आप अगर घर के बाहर निकलेंगे तो आप एक जने अगर घर के बाहर निकलेंगे तो आपकी फैमिली डिस्टर्ब होगी। एक से दो को असर हो रहा है, दो से दस को हो रहा, दस से बीस को हो रहा, बीस से मुश्किला पूरा एरिया हो रहा, पूरी बस्ती हो रही। तो मैं खासतौर पर तिकलकुंडा और तिकलकुंडा के आस पास के आवाम से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने अपने घरों में रहिए। कोई अहम काम है तो एरिया कारपोरेटर से, एरिया इब्तदाई कमेटी के सदरों से या एरिया एमएलए साहब से रख दीजिए। इंशाल्लाह ताला आपके बीच में रह के मंजिल से तैयार मुस्लिम काम कर रही है, आइंदा भी काम करेंगे। मैं खासतौर पे फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो बच्चों को ले जा रहे हैं आप हम सब मिलकर अल्लाह से दुआ कीजिए कि वो अल्लाह ताला उनको बच्चों को सेहत या दी से वाले। कल उनको टर्मिनल हॉस्पिटल में टेस्टिंग करें, आज उनके जो भी प्राइमरी कॉन्टैक्ट है वो लोगों को अपन शिफ्ट करें टेस्टिंग के लिए शिफ्ट करें। कितने लोग हैं मैडम अभी? 14 लोग थे, 14 लोग हैं। कल कितने लोग गए थे? अभी तो इनका होने के बाद विल ट्रेस टुमारो।